सोनिया गांधी का भोपाल प्रवास निरस्त होने पर भाजपा को कांग्रेस पर बैठे बिठाए निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भोपाल आने से पहले सर्वे कराया और उसका परिणाम ये आया कि उनकी सभा में 50 लोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, इसीलिए उन्होंने अपनी सभा निरस्त कर दी। राकेश शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी केवल उन जगहों पर सभा करती है जहां कांग्रेस की सरकार और उनके मुख्यमंत्री होते हैं। सोनिया गांधी जी ने सभा से पहले सर्वे कराया कि भोपाल में मेरी सभा कैसी रहेगी, तो उन्हें जानकारी मिली कि 50 लोग भी आपकी सभा में इकट्ठे नहीं होंगे, इस डर से उन्होंने सभा कैंसिल करा ली। सोनिया गांधी जी वहाँ सभा करती हैं जहाँ पे कांग्रेस का शासन हो, कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, जो वो भीड़ इकट्ठी कर सके, पर वहाँ भी अब भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त देश होना चाहिए और जनता का ने जो तय कर लिया है उसकी परिणति आज आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सागर में कार्यकर्ताओं के बीच उपजे विवाद के बाद मुख्यमंत्री के साथ हुई कार्यकर्ताओं की बैठक पर सफाई देते हुए राकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा के किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। दूसरे चरण के मतदान के लिए बैठक बुलाई गई थी। भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्र, पार्टी और व्यक्ति को लेकर चलता है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना कार्यकर्ताओं का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो सेकंड फेज में चुनाव होना है, वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी एक सामान्य सी बैठक भोपाल में हुई थी और इसको अन्यथा किसी उसमें नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र को लेकर चलता है, फिर पार्टी को लेकर चलता है, फिर व्यक्ति को लेकर चलता है। आज सबसे बड़ा विषय है कि देश में जो कुशासन है, देश में जो लूट मची हुई है, देश में जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी, उसको दूर करने के लिए हर कार्यकर्ता ने मिशन लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश की जनता को राहत दिलाना है। उस मिशन पे पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन शक्ति भारती के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।